अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में उड़द गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। शादियों वाले उड़द गोश्त की रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बड़ी आसानी से आप इसे घर में घर के ही मसालों से बना सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि उड़द गोश्त किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको। इस आसान तरीके से अगर आप बिगिनर भी है ना, तब भी आप बना लेंगे। उड़द गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, चिकना रवाज वाला गोश्त लिया है मैंने, 250 ग्राम यहाँ पर मैंने उड़द लिए हैं। उड़द को मैंने अच्छे से वॉश करके इसे उबाल लिया था, इसे मैंने अच्छे से गला लिया है, मगर अभी इसे मैश नहीं किया है। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं मैंने, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, कुछ गरम मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ता है, 4 लौंग है, 6 से 7 काली मिर्च है, थोड़ा सा जीरा है, 1 सफ़ेद इलायची। पाउडर मसाले में मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 0.5 चम्मच यहाँ पर मैंने मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल को डाल दिया है। अब मैं इसे गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज इसमें ऐड करने के बाद मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। गोश्त इसमें ऐड करने के बाद इसे सिर्फ 2 मिनट तक भूनना है, सिर्फ 2 मिनट पकाना है हमें। अच्छे से चलाते हुए पकाना है। ऐसा करने से गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है ना, वो सारी स्मेल निकल जाती है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके उड़द गोश्त बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। सिर्फ 1 मिनट भूनना है। एक मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। पाउडर मसाले इसमें ऐड करने के बाद हमें इसे फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद हमें फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम पर रखा है। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए उड़द ऐड कर रही हूँ। उड़द इसमें ऐड करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। 4 गिलास पानी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और आधे घंटे के लिए गोश्त के गलने तक पकाऊंगी। आधे घंटे में गोश्त भी गल जाएगा और जो हमने उड़द इसमें ऐड किया है ना, वो भी अच्छे से गल जाएगा। आधा घंटा हो चुका है, चलिए अब हम चेक कर लेते हैं।
माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और देखिए इसने तेल भी ऊपर छोड़ दिया है। ये देखिए माशाल्लाह तेल एक साइड में ऊपर अच्छे से आ गया है, उड़द भी अच्छे से गल चुके हैं और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, यानी ये बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे अच्छे से चला रही हूँ ताकि जो उड़द है ना वो अच्छे से, उसको मैं मैश कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर जो आप ये रोगन देख रहे हैं ना, मैं इसे निकाल कर अलग एक बाउल में रख लूँगी। ये सारी तरी निकाल के मैं एक बाउल में रख लूँगी और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, इसे अच्छे से मैं मैश करूँगी। उड़द को हमने मैश नहीं किया था, हमने उड़द को पहले इसलिए मैश नहीं किया था ना, अगर आप पहले से उड़द को मैश करके इसमें ऐड कर देते ना गोश्त के साथ में, तो इसके ना मतलब जलने का बहुत डर रहता है ना, जो उड़द है ना वो नीचे लग जाता है ना आपके बर्तन के नीचे, वो लग जाता है और मतलब जलने का डर रहता है। इसके लिए आपको पहले मैश नहीं करना है, गोश्त में ऐड करने के बाद जब अच्छे से गोश्त भी गल जाए, उड़द भी थोड़े अच्छे से और गल जाए, फिर आपको इसे अच्छे से मैश करना है। ऐसा करने से उड़द बहुत ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होते हैं। इसमें आपको क्रीम ऐड करने की या मक्खन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी इतने क्रीमी बन के तैयार हुए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और खुशबू का तो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें क्या करूँगी ना, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस के फ्लेम को मैंने थोड़ा सा स्पीड पे रख दिया है क्योंकि पहले गैस का फ्लेम मीडियम पर था। अब मैं इसमें ना हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने पहले आधा चम्मच रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से 8 से 9 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब बनते हैं ये। और मैंने यहाँ पर अदरक काट कर मैंने अदरक इसमें ऐड किए हैं और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब आप इसे खाते हैं ना और अदरक आपके जब मुंह में आती है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। अब मैं इसे फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसे मैं 5 मिनट के लिए फिर से कवर कर दूंगी। पाँच मिनट हो चुके हैं और उड़द गोश्त भी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो तरी उठाकर रख ली थी ना वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। बहुत टेस्टी उड़द गोश्त बनकर तैयार होते हैं। अगर आप जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ वैसे तरीके से बनाते हैं तो बहुत अच्छे उड़द गोश्त आपके बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी शेयर करने का तरीका अगर पसंद आया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।